अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं क्रिकेट यारी। और मैं हूं मोहम्मद समद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और आज उन्होंने अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन भी किया है। और दूसरी खबर के जिमी एंडरसन जो पिच के लिहाज से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि पिंडी की पिच कैसी होगी। वही जिमी एंडरसन है जो आज से 17 साल पहले पाकिस्तान आए थे इंग्लैंड की टीम के साथ। ये वाहिद वही प्लेयर है इंग्लैंड की टीम में जो पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। सो गाइस, उससे पहले जो है आप हमारा चैनल, जो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जैसा कि सबको पता है 17 साल के बाद फुल फ्लैश इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची है। और आज उनका दूसरा प्रैक्टिस सेशन भी था। पाकिस्तान की टीम 3 दिन उन्होंने इस्लामाबाद के क्लब ग्राउंड में प्रैक्टिस की है और पाकिस्तान की टीम पहले से प्रैक्टिस कर रही है। आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन था पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और काफ़ी दबा के प्रैक्टिस की है। काफ़ी इंग्लैंड की टीम जो है काफ़ी अग्रेसिव प्रैक्टिस करती हुई देखी गई है। पाकिस्तान की टीम वही टुक टुक, पाकिस्तान का वही ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं कि टुक टुक अपना वो तरीका गामजन है अपना लिए। देखा जाए सामा भी जो है पाकिस्तान की जो टीम में है सारी टेस्ट प्लेयर है, T20 भी टेस्ट की तरह खेलते हैं, वनडे भी, और लेकिन जो टेस्ट में जब भी आते हैं ना तो इनसे खेला नहीं जाता। देखा जाए बाबर आजम, बाबर आजम तो फिर भी टेस्ट में जो है वो ग्रेट है, नंबर 3 की रैंकिंग है उनकी, नंबर 4 की वो है, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती जैसे इंग्लैंड में जॉय रूट जो है। फिर इंग्लैंड की टीम में और कौन है, इंग्लैंड की टीम में जॉय रूट ही है बस। बिल्कुल, और जॉय रूट भी उनके आजकल फॉर्म काफी अच्छी लग नहीं रही जॉय रूट की, इसीलिए जो ना मुझे नहीं लग रहा। देखते हैं कि वो स्पिनर का वहां पे क्या। हां, रावलपिंडी की पिच के बारे में सब बहुत परेशान थे कि रावलपिंडी की पिच कैसी होगी कैसी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला जो पहला मैच था हिस्टोरिक मैच है वो बर्बाद कर चुके हैं पीसीबी वाले पहले ही हमारा, और जो अब ये वाला है इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। काफ़ी उस टाइम क्रिटिसाइज भी हुआ था पीसीबी पर कि बैटिंग पिच बना दी, 3 दिन पाकिस्तान बैटिंग करता रहा, 2 दिन इंग्लैंड की मैच ड्रॉ, बैटिंग पिच बना दी कि जी ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हम घबरा जाएंगे ये वो। अब काफ़ी प्रेशर था पीसीबी के, और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि स्पिन ट्रैक में आ जाएगा पिंडी। टेस्ट में देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी चेंजिंग की है, यासिर शाह जो है यासिर शाह में नहीं है, यासिर शाह टेस्ट बोर्ड में नहीं है, फवाद आलम नहीं है, फवाद आलम को नहीं रखा, और उसके बाद इकरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर उसको इंक्लूड किया है। यूजफुल जो बात है ना कि ये है कि सरफराज अहमद को लेकर जाते हैं और उसको खिलाते नहीं है। सरफराज अहमद के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है, कहीं ना कहीं सरफराज अहमद ने अपने साथ भी कहीं पे ज्यादती की थी, लेकिन उससे ज्यादा वो पीसीबी वाले उनके साथ सिलेक्शन कमेटी उनके साथ ज्यादती करती है। हर इंसान का अपना जो होता है माइंडसेट होता है, नजरिया होता है, जो मेरा नजरिया मैं चाहता हूँ कि रिजवान की जगह सरफराज को बनाए। देखिए वो कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं, उसके अलावा जो है वो अच्छे बैट्समैन है टेस्ट के, लेकिन ऐसे हो नहीं ना सकता कि रिजवान को बाहर बैठा दें, सरफराज को बुला रहे हैं। रिजवान अपनी T20 की परफॉर्मेंस में अब टेस्ट और वनडे भी खेल रहे हैं, आप मुझे दिखा दें क्या परफॉर्मेंस है रिजवान की वनडे और टेस्ट में, दिखा दें। वही ऑस्ट्रेलिया वाला जो एक मैच भी था कराची में, ये जो लास्ट ओवर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है। वो अपने T20 की परफॉर्मेंस में वनडे और टेस्ट खेलते हैं, सरफराज को खिलाना चाहिए जी। सुनने में आया शान मसूद का बड़ा चल रहा है कि जैसे उनकी शादी भी है और टेस्ट में क्या उनको रखा है कि नहीं। शान मसूद टेस्ट के स्क्वाड में है, हाँ यही तो हम कहते हैं कि उनको टेस्ट वाले स्क्वाड में होना चाहिए। टेस्ट में अगर वनडे में करें तो वनडे में भी खिला दें, वनडे के भी अच्छे प्लेयर हैं वो, टेक्निकली तो T20 भाई क्यों T20 में खिलाते हो तुम लोग, T20 का कहां से वो प्लेयर लगता है आपको, बिल्कुल ऐसी है, बर्बाद कर देते हैं T20 ये तीनों मिल के। आज जो हमने देखा है सामा भाई, इंग्लैंड वाले जो है अग्रेसिव जो थे लगे हुए थे, आज उन्होंने प्रैक्टिस किया अग्रेसिव, ज़री ग्रैबली ने किया, जॉय रूट ने किया, बेन स्टोक्स ने लंबे लंबे छक्के मारे, पिंडी के स्टेडियम से बाहर किए बोले। बेन स्टोक की बात की जाए तो उन्होंने एक अच्छा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान के लिए आजकल बेन स्टोक्स ने किया, उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी सीरीज की इनकम है, जितने भी मुझे पैसे आएंगे सीरीज खेलने से,
सारे के सारे पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ फंड में दूंगा मैं। इसीलिए बहुत अच्छे हैं उधर हमारे क्रिकेटर, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने दिए हैं कि नहीं दिए, उनको अप्रिशिएट करी जा रहे हैं शाह मसूद साहब, बट आप रेत जैसन भाई साहब दिए भी हैं तो हमें क्या पता वो फंड में जा भी रहे हैं नहीं, वो वो तो आप सबको पता है उसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बैंस रो का काफी अच्छा खिलाड़ी हो रहा है, इसे सराहना चाहिए। और दोस्त बहुत पूछ रहे हैं कि पिंडी की पिच कैसी होगी, पिंडी की पिच कैसी होगी, दोस्तों सबसे बड़ी इस मरतबा पिंडी की पिच स्पिन ट्रैक में आ जाएगा। और जो है वो आज हम जैसे देख रहे थे कि उन्होंने जो है पानी नहीं लगाया पिच पे, हाँ आज पिच को पानी नहीं दिया गया, इससे यही जाहिर हो रहा है कि स्पिन ट्रैक में आ जाएगा तो फास्ट बॉल है उसमें, हाँ रोल नहीं है इतना हल्का फुल्का होगा, लेकिन जो पिच है वो स्पिन ट्रैक ही है, उधर बॉल होगा स्पिन ज्यादा, तो इसीलिए एंडरसन भी ठीका भी दे देंगे। हालांकि हम देखना चाहते थे कि पिंडी का ग्राउंड है और इधर हर तरफ ही पहाड़ है, और जैम एंडरसन जिमी एंडरसन जिन्हें कहा जाता है, लेकिन उनकी बॉलिंग में पता चलता है कि वो बॉल कर रहे हैं, बॉल के लिए खेलते हुए नजर आते हैं, जज्बा आता है ना, जिमी हमारे यहां पर हारिस को बॉल करते हैं, कितनी उम्र हो गई जिमी एंडरसन की, आई डोंट लीग नहीं खेले, वही स्पीड वही टेस्ट मैच खेलते हैं बस, स्पीड वही वही स्विंग वही रिवर्स स्विंग, उन्होंने अपने एक मेन हदफ रखा हुआ है टेस्ट मैच, और बहुत ही ज्यादा इसमें अपना टीमें आपको परसों पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मैच शुरू होने जा रहा है, इंडिया बांग्लादेश का शुरू होना है, कल वेस्ट इंडीज और उनका ऑस्ट्रेलिया का शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा मैचेस हैं दोस्तों, ये बताते जाइए फैंस को, ये देखिए कि अभी कल जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट है, वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है ना, वेस्ट इंडीज क्रिकेट लीग ने इधर से यहाँ ला, वो बस लीगों के प्लेयर है वो लीग में, उनको अभी नीट है लीग, हम देख रहे थे जितना मर्जी खिलवा लें, निकोलस पुरन बत्तीस बोलो में 100 मार देगा, बिल्कुल ऐसे लग रही खेलेंगे बारी पुरन साहब अपने पुरन हो जाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट भी पहले से यकम से शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का भाई मतलब ये काफी ज्यादा आपको टेस्ट मैच देखने को मिलेंगे, 14 तारीख का बांग्लादेश और इंडिया का टेस्ट मैच है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और पाकिस्तान अभी इस दौर में शामिल है, पाकिस्तान को विन विन भी करना, पाकिस्तान के 5 मैच रह गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, 5 के 5 जीतना तो फाइनल में जाएंगे, डब्ल्यूबीसी के 3 इंग्लैंड के हैं, 2 न्यूजीलैंड की टीम आएगी, अच्छा सबसे बड़ी बात 5 ही अपने होम ग्राउंड पे हैं, बिल्कुल ऐसे है, पहला जो है रावलपिंडी में, दूसरा मुल्तान में, तीसरा कराची में, जो न्यूजीलैंड के हैं उनके भी वही है मुल्तान और रावलपिंडी, स्टेडियम की बात करें तो रावलपिंडी का स्टेडियम है क्या प्यारा स्टेडियम बनाया है, तो पाकिस्तान की टीम और इंग्लैंड की टीमों ने आज जमकर प्रैक्टिस की है, अग्रेसिव भी देखने को मिली, टुक-टुक भी देखने को मिली, तो काफी काफी तरीकी सीरीज है ये पाकिस्तान के लिए, 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है, तो इसलिए शायकीन काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि समा में टेस्ट में हम देखते हैं कि कुदरत का निजाम जो स्क्रैम स्टार का शुरू से हो रहा है, खिलाड़ी को छपनी परफॉर्मेंस भी देंगे, कोई खिलाड़ी में नजर आएगा, पाकिस्तान की टीम का जो टेस्ट का रन रेट है ना बहुत ही कम है, वो टेस्ट को कुछ ज्यादा ही टेस्ट समय लेते हैं, हालांकि मैं कहता हूं कि हम ग्राउंड में मैच देखने जाते हैं बोर हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, उधर स्ट्रेलिया की टीम आती है टी20 खेलने लग जाती है, टेस्ट को वो रोकते भी और मारते भी हैं, वो ये नहीं कहते कि टेस्ट है, वो हमारे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं ना वो बस 2 दिन तक उन्हें टुक टुक ही लगे रहे हैं, ऐसे ही ऐसे टेस्ट है तो टेस्ट की तरह, वो फिर जितना रोकते हैं वो फिर उतने ही आउट हो जाते हैं, बहुत ही सवाल था ना थोड़ा मार धाड़ की करें, और आज हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर यूनुस खान का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे दोस्तों, हैप्पी बर्थडे टू यू यूनुस खान, तो हैप्पी बर्थडे टू यूनुस खान, पाकिस्तान के लेजेंडरी और आपको बताया पिच कैसी होगी, यूनुस खान का बताओगे, यूनुस खान जो एक वाहिद बैट्समैन है कि जिनसे एबी डिविलियर ने स्विच शॉट जो है सीखी बाबर आजम, सबने सीखी यूनुस खान से, और दूसरी तरफ उधर अपना पिंडी की पिच स्पिनर के लिए साजगार होगी, इंग्लैंड की टीम भी अपने साथ 18 साल लड़े जाना है, मतलब
काफी अच्छे स्पिनर है वो, उनको भी ये प्रैक्टिस करवाई उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी नवाज इब्रार अहमद नुमान ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी मजा आएगा देखने को। मुझे नहीं लग रहा कि वो जैसे स्पिनर इतने स्पिनर पिच है तो वो स्कोर करते हुए खिलाड़ी मारे नजर आएंगे या इंग्लैंड के नजर आएंगे, क्योंकि फास्ट में तो ये होता है ना कि कवर ड्राइव मार लिया काफी, नहीं फिर भी काफी मजा आने वाला, बॉल जब होगी ना स्पिन बॉल होगा तो काफी किलियां भी उड़ेंगी, वही ना प्रेशर क्या बहुत मजा आने वाला टेस्ट में देखना। तो इजाजत ले लें, इजाजत लेते हैं दोस्तों आपसे, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।